हम सब थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, हम सब बहुत सालों से ये सब करते आ रहे हैं निरंतर। उठावनी क्यों होती है, पंडित जी ने जो बताया वो तो आप सबको मालूम होगा, लेकिन वास्तविक इसके पीछे जो रहस्य है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, जो मुझको आभास है इस चीज़ का। तीसरे दिन उठावनी होती है, थर्ड डे, और अगर आपको ध्यान हो जब भी कभी कोई सीरियस केस होता है, मेडिकल कोई भी ऐसा पेशेंट होता है सीरियस, जैसे खास तौर से कोमा का हुआ या चोट लग गई किसी को, सीरियस एक्सीडेंट, डॉक्टर ये कहते हैं भाई 72 घंटे बाद हम बताएंगे कि क्या हो सकता है, 72 आवर्स तक हम कुछ भी नहीं कह सकते किसी भी सीरियस कंडीशन में। जैसे अभी हमारी माता जी का रहा, ब्रेन में स्ट्रोक आया और डॉक्टर ने सीधा कहा 72 आवर्स के लिए हम इसमें कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, 72 घंटे के बाद यदि आंखें खुलती हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ भाई आगे किस तरीके से हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा। और आप देखिए कि तीसरे दिन उठावनी का रखा जाता है, आखिर ये जो 3 दिन है वो इतने क्रूशल क्यों है या 3 दिन का महत्व क्यों है? वास्तविकता ये है कि हमारा जो जन्म होता है, हमारा जो सोर्स ऑफ बर्थ है, मतलब हमारा जन्म का जो कहना चाहिए स्रोत है, वो कौन सी देवी के अंडर में होता है ये हमें समझना जरूरी है। जो जो देवी है हमारी, जो हमारे जन्म की देखभाल करती है, जन्म देने में सहयोग करती है, वो है साक्षात श्री महाकाली। महाकाली हमारे जन्मों को देखती है, जैसे कि अगला जन्म भी अगर होगा या ये जो वर्तमान जन्म हुआ है तो इसकी जो सूत्राधार है महाकाली है, इसलिए वो आदि नाड़ी पर बैठी है। हमारे भीतर की 3 नाड़ियाँ हैं, सबने सुना होगा, जो लोग ज्योतिष के पास गए हैं उन्होंने कहा है भाई दिखते हैं जन्मपति, वो कहते हैं कि आपका जन्म आदि नाड़ी में हुआ है, यानी कि क्रीड़ा नाड़ी, और क्रीड़ा नाड़ी की जो मालकिन है वो साक्षात महाकाली है। दूसरा कहीं लिखा रहता है कि आपका जन्म जो है अंतर नाड़ी में हुआ है, यानी कि अंतर नाड़ी का मतलब है पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी जो है हमारे जो जीवन मिला है, पिंगला नाड़ी की शक्ति होती है महासरस्वती की शक्ति, जो हमारे जीवन यापन की सारी चीज़ें देखती है। जब तक हम जीवित रहते हैं, जन्म होने से लेकर अंत तक, महाकाली महासरस्वती हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग करती हैं, हमको अंदर से ज्ञान देती हैं कि हम सांसारिक जीवन कैसे जिए और हम आध्यात्मिक जीवन को कैसे अपनाएं, या आध्यात्मिक जीवन में हमने यदि अपना लिया है तो हम किस प्रकार से उसको और आगे बढ़ाएं, ये कार्य महासरस्वती का होता है। और तीसरी नाड़ी में होती है शक्ति, और तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, यानी कि मध्य नाड़ी। मध्य नाड़ी जो है महालक्ष्मी के अंडर में आती है। महालक्ष्मी जो क्या करती है, जो जीवन हुआ है किसी जीव को, जीवन मिला, मानव जीवन मिला किसी जीव को, और उसका जो एंड है, यानी कि एंड कितना अच्छा हो, कितना सुंदर हो, ये सारा कार्य महालक्ष्मी के अधीन आता है। आपने वैसे तो सुना होगा लक्ष्मी काली, लेकिन महाशक्ति, तीनों महाशक्तियाँ हमारे मानव के तीनों फेजेस जो है लाइफ के, बर्थ और लाइफ और उसके बाद एंड, ये तीनों महादेवियाँ जीवनों को देखती हैं, और महालक्ष्मी जो है एक प्रकार से मोक्ष प्रदायिनी भी कही जाती है, इसीलिए परमात्मा ने उन्हें सुषुम्ना नाड़ी पर, मध्य नाड़ी पर बिठाया है। हमारी प्राचीन जो संस्कृति है, हमारे जितने संतगुरु हुए, संत हुए, उन्होंने हमें बताया कि हम मध्यमार्गी हैं, वी इंडियंस, हम भारतीय हैं मध्यमार्गी हैं, यानी कि हम संतों के बताए रास्ते पर चलते हैं, यानी कि हम सुषुम्ना नाड़ी पर साधना करते हैं। जो लोग भी आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं वो सुषुम्ना नाड़ी जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। सुषुम्ना नाड़ी मोक्ष प्रदायिनी नाड़ी ही है। मानव की जो चेतना ध्यान के माध्यम से, प्रभु के स्मरण के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से जब सुषुम्ना नाड़ी पर आने लगती है, तब उसके अंदर एक चीज प्रकट होती है कि मुझे ईश्वर की ओर चलना है। जब तक ये घटनाक्रम घटित नहीं होता तब मानव अपने संसारी जीवन के उपक्रमों में निरंतर बना रहता है लगातार। अब मृत्यु का जो समय आता है, 3 दिन इसी तीनों देवियों के लिए रखे गए हैं, धावी तीसरे दिन होती है। जब ऐसा स्थिति आई
की मृत्यु हो गई तो जीव जो गया, जीवात्मा जो गई महाकाली के अंडर में गई, और उन्होंने निर्धारण करना है इस जीव का कार्मिक आधार पे अगले में अगले जीवन किस प्रकार का होगा, इसको रीबर्थ कहाँ दी जाए। दूसरा होता है, दूसरा दिन आता है महा सरस्वती का। महा सरस्वती यहाँ पे जो डिपेंडेंट, जो सर्वाइवर्स हैं यानी कि जो परिजन हैं उन लोगों की व्यवस्था करती है, जिससे उनके अंदर जीवन के प्रति लगातार निराशा ना आने पाए, निराशा ना आने पाए। किसी परिजन की मृत्यु होती है तो इंसान डूब जाते हैं, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो निराशा से बचाने के लिए महा सरस्वती की शक्ति कार्य करती है। और तीसरा दिन होता है एक तरीके से मोक्ष का। अगर किसी जीवात्मा का मोह संसार में रह गया है, किसी परिजन से रह गया है, घर से रह गया है, तो महालक्ष्मी की शक्ति तीसरे दिन सक्रिय होती है और उस जीवात्मा को मुक्त करने में सहायता करती है, यानी कि डिटैच करती है। शी गिव्स डिटैचमेंट। महालक्ष्मी जो है डिटैचमेंट का एक प्रतीक है और आपके भीतर में संसारिक चीजों के प्रति डिटैचमेंट की स्थिति उत्पन्न करती है और साधना के प्रति आपके अंदर प्रेरणा देती है। तो तीन प्रकार के, ये तीनों महादेवियां तीन प्रकार के गुण हमारे अंदर उत्पन्न करती है। तमोगुण ईड़ा रानी महाकाली का एक विशेष लक्षण है, रजोगुण महासरस्वती का लक्षण है, और सदोगुण महालक्ष्मी का लक्षण है जो हमारे अंदर पैदा होता है। और 24 घंटे में ये तीनों प्रकार के गुण हमारे भीतर में लगातार चलते रहते हैं। आपने देखा होगा 2.5 घंटे की एक राशि होती है, ये तीनों गुण हर 2.5 घंटे में बदलते रहते हैं हमारे अंदर, लेकिन ये उनके अंदर नहीं बदलते जो साधक होते हैं, जिनका एक ही जगह जुड़ा हो जाता है, यानी कि सुषुम्ना प्रधान जो लोग होते हैं उनके अंदर तमोगुण और रजोगुण का कोई प्रभाव नहीं होता। उनके घर, उनके अंदर 24 घंटे सतोगुण विद्यमान रहता है और उनकी चेतना ईश्वर के साथ निरंतर बनी रहती है। तो ये मूल कारण है तीसरे दिन के, और इसके बाद जो भी कार्य होते हैं वास्तव में उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। 3 दिन तक का कार्य इम्पोर्टेंट है। थर्ड डे जैसे कि आज प्रभावनी हुई और आज ही के दिन यदि आप कोई ऐसी चीज उनसे हृदय में प्रार्थना करें परमात्मा से, हम सब अपने अपने स्तर पर प्रार्थना करते हैं, उसके बाद किसी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्राचीन पद्धति में, प्राचीन काल में होता यह था, हमारे विद्वानों ने यह देखा कि आम मानव सुषुम्ना प्रधान नहीं है, आम मानव का जो चित्त है वो सुषुम्ना पर नहीं है, तो उन्होंने मैक्सिमम 13 दिन का पीरियड रखा है कि अगर फिर भी कोई अगर अटैचमेंट रह गया है तो 13वें दिन में ये विधान के साथ इसे कर दिया जाता है। वास्तविकता ये है कि 3 दिन के बाद में किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये थोड़ी व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई है प्राचीन में जितने भी हमारे विद्वान रहे हैं, लेकिन मूल चीज के अंदर ये है। तो इस चीज को हम समझते हुए आप थोड़ी देर ध्यान में जाएंगे, थोड़ी देर समय लेंगे बस खाली। उससे पहले मैं माता जी के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है पूरी तरह जानते ना हो। हमारी जो माता जी है उनका जन्म आगरा में हुआ था और बचपन से ही सत्संगी परिवार में उनका जन्म हुआ, राधा स्वामी मत जयरबाग आगरा। और उनकी रुचि जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनकी रुचि सत्संग वगैरह में निरंतर बढ़ती गई और बड़े होते होते वो पूरी तरीके से सत्संगी हो चुकी थी। और उसके बाद आज तक जब तक उनके अंतिम सांस ली है उन्होंने, उनके हृदय में केवल यही भाव रहा करता था। अपने कमरे में निरंतर साधना किया करती थी, पाठ किया करती थी, जैसे अभी ये पाठ चल रहा था आपने सुना होगा, तो उनका ये निरंतर व्यवस्था चलती रहती थी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो लोग राधा स्वामी मत से जुड़ जाते हैं, अब चूंकि हम बहुत सारे लोग राधा स्वामी मत के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा मैं। जो राधा स्वामी मत होता है वो सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित करने का ही रास्ता है, इसमें भी तीनों नाड़ियों का इस्तेमाल होता है, सातों के सातों चक्रों को जागृत किया जाता है ध्यान और साधना के जरिए। तो ये जो पाठ का अभ्यास निरंतर चलता है, तो जो सत्संगी होते हैं उनको, क्योंकि वो सुषुम्ना मार्ग की है, मध्य मार्ग की है, इसलिए उन्हें किसी भी
किसी तरीके से सुषुम्ना तक लाने के लिए इन कर्म कांडों के जरिए एक प्रयास होता है। लेकिन जो लोग साधना करते हैं, जो लोग अभ्यासी हैं ध्यान के, उनको किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए राधा स्वामी मत से जुड़े लोग जो हैं, जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय भी एक पाठ होता है, और जब दाह संस्कार होता है तब भी एक पाठ होता है, और किस प्रकार से तीसरा दिन जब होता है तब ये पाठ की व्यवस्था होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सनातनी स्टाइल के जो कर्मकांड होते हैं उनको आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए हम सब ने ये व्यवस्था रखी है, क्योंकि जो जीवात्मा है उसकी जिस चीज में रुचि है उस रुचि का ध्यान रखने के लिए व्यवस्था करनी ही चाहिए, क्योंकि वो विपरीत व्यवस्था होगी उसके लिए, जीवात्मा के लिए। इसलिए ये ध्यान की थोड़ी व्यवस्था है आज की तारीख में। और मृत्यु के काल का समय बताना चाहूंगा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। 11:45 में उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, उससे 5 मिनट पहले मिताली मेरे पास आई और मिताली ने ये कहा, पापा उनकी जो सांस है थोड़ी इरेगुलर है, नॉर्मल जैसे पिछले 8-10 दिन से चल रही थी वो वैसी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा बेटा, आप मैं 2 मिनट में आया यहाँ पे, इस कमरे से 1 मिनट भी नहीं समय लगा होगा। तो मैंने देखा उनकी जो सांस थी वो नाभि से आकर ऊपर तक जा रही थी, और 1 मिनट के अंदर अंदर नाभि से घट के उनकी सांस हृदय तक रह गई, हृदय से घटकर कंठ में रह गई, कंठ से घट के केवल नसिका में रह गई, और अंतिम सांस जो है उन्होंने लास्ट ली। और उस वो क्षण था जब मेरे हृदय में प्रार्थना चल रही थी परमात्मा से कि इनकी जीवात्मा को अपने शरण में ले लो। मिताली भी मेडिटेशन में थी और मेरा हाथ उनके सर पर था, और केवल ये भाव है कि हे प्रभु उनकी जीवात्मा को अपने स्थान पर पहुंचा दीजिएगा। और जैसे ही हाथ रखा गया उसकी कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने अंतिम सांस ली, और वो सांस मात्र नसीका तक सीमित थी, यानी कि 5 प्रकार की सांस परिलक्षित हुई। अब इसका भी एक बहुत बड़ा मकसद है, आम मनुष्य जो जीवन में संसारिक जीवन में होता है उसकी चेतना नाभि में भव सागर में रहती है संसार, और परमात्मा को उसे भव सागर से हटाना होता है। यदि किसी की जीवात्मा भव सागर में फंसी है तो उसकी मृत्यु होनी असंभव है, इम्पॉसिबल, चाहे उसे कितने भी दिन बिस्तर में पड़े हो जाए उसकी मृत्यु नहीं होती। तो एक व्यवस्था की ईश्वर ने, परमेश्वर ने व्यवस्था की, धीरे धीरे उनका जो हटाया उनकी सांस नाभि से हटाकर हृदय में लाए। हृदय में साक्षात जगदम्बा का स्थान है। माँ जगदम्बा एक ऐसी देवी है जो संसार में मनुष्यों को देखभाल करने के लिए ही अवतरित हुई है, वो केवल मनुष्यों की सुरक्षा के लिए आई है माँ जगदम्बा। तो जब जीवात्मा की ऐसी अवस्था होती है तो कहीं ना कहीं जीवात्मा थोड़ा डरती है कि एक नया दौर शुरू होने वाला है मेरे जीवन में। मृत्यु काल 1.5-2 मिनट का अगर है तो उस 1.5 मिनट में कई महीनों तक की कहानियों उनके बीच में घटित हो जाती है जीवात्मा के सामने। तो सबसे पहले माँ जगदम्बा जीवात्मा को संभालती है ताकि किसी प्रकार का भय या कोई भी चीज उनके साथ में जुड़ी ना रहे। जब वो परिष्कृत हो जाती है जीवात्मा, उसके बाद विशुद्धि में आती है कंठ में, जहाँ पर श्री कृष्ण जी की शक्ति कार्य करती है, तब पहली बार जीवात्मा को विराट का अनुभव होता है कि परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव होता है। और उसके बाद जब उनको आशीर्वाद मिलता है कंठ से श्री कृष्ण जी के द्वारा, तब जाकर जीवात्मा चली जाती है हमारे आप जैसे में, जहाँ पर महागणेश का अवतार होते हैं, महागणेश शस्त्र विनायक उनका अवतार हुए हैं जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट उनसे क्षमा याचना कराते हैं कि तू जीवन काल में तूने जो किया है, जाने अनजाने में तेरे से यदि कोई गलती हुई है तो क्षमा याचना करवाने की शक्ति जीसस देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं कि आप क्षमा मांगने योग्य हो सको। मनुष्य सच्चे दिल से क्षमा तभी मांग सकता है जब उसके पास ईश्वरीय शक्ति हो, अन्यथा क्षमा मांगने योग्य नहीं है कोई भी मानव। शब्दों में क्षमा नहीं होती, जब भीतर से क्षमा प्रस्फुटित होती है तो दैवी शक्तियों की सहयोग मिलता है तब क्षमा आती है। और जब इस क्षमा का कार्यक्रम आ जाता है, जीवात्मा सच्चे हृदय से पूरी एक तरीके से पश्चाताप भी करती है और पूरी क्षमा याचना करने के बाद जब वो शुद्ध हो जाती है
को संभालती है माँ आदि शक्ति सहस्त्रार पर, सहस्त्रार पर जीवात्मा आती है माँ आदि शक्ति जो तीनों महादेवियों की भी मदर है, महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी की भी माँ है माँ आदि शक्ति, और वो माँ आदि शक्ति है श्री महादेव की अर्धांगिनी। वो फिर जीवात्मा को संभालती है और अपने चरणों में स्थान दे देती है। अब ये डिफरेंस क्या है आपको, अगर किसी की जीवात्मा सहस्त्रार तक पहुंच गई और आम स्थिति में नाभि में रही तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है जब नाभि में जीवात्मा रहेगी यानी कि कुंडली शक्ति रहेगी तो तड़पता रहेगा और शारीरिक नियंत्रणाएं उसको इतनी ज़्यादा होंगी महीनों सालों तक निकल जाते हैं और उसके बाद जाकर जीवात्मा की मुक्ति होने की व्यवस्था होती है, क्षमा यात्रा फिर भी होती है, ये सारी प्रक्रिया होती है। तो ये समझ लीजिए कि जब किसी भी जीव के प्राण सातवें चक्र से निकलते हैं तो उसके चेहरे पे शांति होती है, ओजस्विता होती है, चेहरा विकृत कभी नहीं मिलेगा। सो हमारी माता जी के चेहरे पे भी वो ओजस्विता थी, अंतिम समय में उनके चेहरे पे अथा शांति महसूस हुई और उनके प्राण सहस्त्रार से निकले, जिसका परिणाम स्वरूप उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। यदि किसी के प्राण आज्ञा चक्र से निकलते हैं यानी कि कान से नाक से आँख से जुबान से हल्का सा ब्लड निकल जाता है, लेकिन जब सहस्त्रार से निकलते हैं तो कोई भी फ्लूइड बॉडी का बाहर नहीं आता। आम स्थिति में लोगों की कुंडली शक्ति मूलाधार चक्र से निकलती है, इसलिए कपड़े गंदे होते हैं, इसीलिए उन्हें नहलाया धुलाया जाता है, क्योंकि अग्नि के हवाले करना है शरीर, अग्नि पवित्रतम अग्नि है, पवित्र है, इससे ज़्यादा पवित्र कोई नहीं, तो उसको स्वच्छ किया जाता है। और आपको ताज्जुब होगा जान के मुस्लिम लोग भी नहलाते हैं, शुद्ध करते हैं कब्र में उतारने से पहले उनको। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आम जीवन में हम देखते हैं लेकिन हमें वास्तविकता मालूम नहीं होती ये सब हम करते हैं। अब माता जी के बिल्कुल भी लेश मात्र भी कपड़े गंदे नहीं हुए, ये सब जानती हैं बहनें, बच्चे जानते हैं। अब जैसे उन्हें तीन तारीख को ब्रेन स्ट्रोक आया, जैसे तैसे करके हॉस्पिटलाइज किया गया, बड़ी मुश्किल से कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, 7-8 दिन वहाँ ICU में रहे। डॉक्टर ने कहा कि बस अब उनको घर ले जाओ चाहो तो, क्योंकि इनके अंदर 3 दिन में परिवर्तन आना था, नहीं आया है, अगर आप चाहें तो घर ले जा सकते हैं। फिर उनको घर लाए गए, हॉस्पिटल वाले स्थान पर जब वो 3-4 दिन नहीं, उनके चेहरे पर बड़ी पीड़ा और तकलीफ के भाव थे, जैसे उनके आंतरिक संघर्ष उनके मस्तिष्क में चल रहा हो और उसके सारे भाव चेहरे पर नजर आए। फिर उनके सिस्टम में काम किया गया, उनकी कुंडली के ऊपर कार्य किया, तो उसके 1-1.5 घंटे बाद उनके चेहरे पर रौनक आई, जो तो पीड़ा था पीड़ा वाला चेहरा खत्म हो गया और वो काफ़ी हद तक एंड तक रहा। और जब वो यहाँ घर पर आ गई, घर पर आने के बाद तो उन्हें बहुत ज़्यादा चेहरे पर सुकून आया, उनकी जीवात्मा को लगा हुआ चलो मेरे परिजन सारे साथ में हैं, बच्चे साथ हैं, उनसे उनका प्रेम था। तो कहने का मतलब ये है कि उनके जो प्राण है सबसे अच्छी बात जो है जो सर्वोत्तम है कि उनके प्राण सहस्त्रार से निकले हैं। हम लोग जान जाते हैं बाई चांस अभ्यास होने के कारण मालूम होता है कि हाँ भाई इनके अभ्यास कैसे गए हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर भी लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें थी उनकी मृत्यु के काल की। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। हम सब जिनको भी मानते हैं जिनको भी पूजते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने हृदय में उन देवी देवताओं का स्मरण करेंगे, देखेंगे नहीं, उनका स्मरण करेंगे, अनुभव करेंगे और अपने सर पर अपने तालु भाग पर हम अपने देवी देवताओं के चरणों के स्पर्श को महसूस करेंगे, चाहे महसूस हो या ना हो। अगर वो उन्होंने अपने चरण आपके सर पर रख दिए तो आपके सर पे हल्की हल्की ठंडक आएगी, सरसराहट आएगी, हलचल आएगी, झंझनाहट आएगी, ठंडा या गर्म सर से निकलता महसूस होगा। और हमारे देवी देवता हमारे हृदय में यदि जागृत होगा इस प्रार्थना से तो हमारे यहाँ पर हृदय में खिंचाव जैसा होगा, झंझनाहट हो सकती है, शीतलता महसूस हो सकती है, ये लक्षण है इस चीज़ की। और इस ध्यान से पहले उनका स्मरण करने से पहले हम 7-8 बार ओम का उच्चारण करेंगे सब लोग मिलकर, है ना बिंदू, ओम का उच्चारण जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है, प्रारंभ में 5-10 मिनट में सब ये समाप्त हो जाएगा। हाथ चाहे तो ऐसे खोल लें,
के सातों चक्रों की स्थिति आपकी सातों उंगली ये जो उंगलियों के कोरों पर और सर की स्थिति आपके भी तालु भाव में अनुभव हो सकती है। तो आप ये भी गौर कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी प्राण शक्ति कुंडली शस्त्रार में आई या नहीं आई है। और जब कुंडली शस्त्रार में आती है तब जाकर हमारी प्रार्थना परमात्मा तक पहुँचती है। दैट इज पावर ऑफ द कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिंग कॉर्ड है कुंडली। जब ये यहाँ पहुँचेगी तब हमारा कम्युनिकेशन ईश्वर से होता है। तो हम उच्चारण करते हैं
अब हमारा कनेक्शन अपने अपने ईस्ट के साथ हो गया है, अब हम दिवंगत जीवात्मा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं अपने तरीके से, जैसे भी आप करना चाहें, डेढ़ दो मिनट के लिए। अपने ईश्वर को प्रणाम करेंगे अपने हृदय में, धन्यवाद। बेटा पानी वाली खिला दी।